हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल गौरव क्रूक्स पे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनटीएससी टेस्ट जो कि आज 28/6/2021 का हुआ है। उसका हम सिर्फ एमएटी का सोल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे, अगली वीडियो में हम एसएटी का भी सोल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। सारे क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल गलत क्वेश्चन नहीं है इसमें। क्वेश्चन वन का जो होगा, पहला है लंग्स एयर होगा, हार्ट का ब्लड होगा, क्योंकि लंग्स जो है वो एयर पंप करते हैं और हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। फिर आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड जो है वो ओर से चलती है और साइकिल जो है वो पैडल से चलती है, तो इसको आप टिक कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं है, मैंने सारा सही सही लिखा है, तो आप बिल्कुल भी डाउट मत करिएगा, आपको टिक करते चलना है। फिर तीसरे में, विच फिगर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग पैटर्न, तो इसका जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आप अगर एक बार लॉजिक अपना लगाएंगे तो आप समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा हुआ है। जो डॉट्स हैं थर्ड वाले पिक्चर में वो ऊपर आ जाएंगे और जो पिक्चर है वो अपोजिट हो जाएगी। फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। इसमें जो सर्कल है उसमें बहुत सारे क्रॉस फिल कर दिए गए हैं, वैसे ही इसमें भी स्क्वायर अभी क्रॉस फिल कर दिए जाएंगे, 8 क्रॉस फिल करने हैं, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो सही है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा 336। आप अपना लॉजिक लगा के देख सकते हैं या तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मैंने गूगल से निकाला तो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं। इसमें 3 होगा क्योंकि जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज लगी हुई है, 34 में से 16 हटाया गया है, फिर 18 में से 8 हटाया गया है और 10 में से 4 हटाया गया है, 6 में से 2 हटाया गया है और 4 में से 1 हटाएंगे तब जाके 3 आएगा। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, तो इसका वी एक्स होगा। आप अगर एक बार अपना लॉजिक लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, वही क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी डाउट की जरूरत। अगर आपको भी पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो आप उसे इजीली डाउटनेट ऐप के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। आप बस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और ऐप में अपलोड करो, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन ऐप में 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। फिर चाहे वो क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP और अदर स्टेट बोर्ड्स का हो, फिर या तो वो क्लास 6 से 12 तक का क्वेश्चन हो या IIT, JEE मेंस और एडवांस नीट का क्वेश्चन हो, आपके हर सवाल का जवाब है डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं इंडिया की डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, जहां आपको सारा कोर्स पढ़ाया जाएगा। तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप और इस कोर्स का हिस्सा बनिए, जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। फाइंड द आउट वन ओड वन आउट फ्रॉम द ऑप्शंस, तो इसका SVZ वाला ऑप्शन सही है, इसको मैंने मैच करके देखा है। रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं तो ये मुझे आते हैं। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो इसमें से 289 वाला ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि ये सिर्फ स्क्वायर है और बाकी सारे क्यूब हैं किसी नंबर के। उसके बाद 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लंडर को LBNURED लिखा जाता है, तो क्विकर कैसे लिखेंगे? इसमें जस्ट फर्स्ट टू वर्ड्स को जंबल कर दिया गया है, फिर उसके बाद सेकंड टू वर्ड्स को भी जंबल किया गया है, फिर लास्ट के वर्ड को अपोजिट लिख दिया गया है। आप इसको कर सकते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ये मैंने मैच किया हुआ है। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। इफ इन अ सर्टेन कोड मद्रास इज रिटन एज 56, देन हाउ कलकत्ता विल बी रिटन इन दिस कोड, इसका आंसर होगा 81। ये अल्फाबेटिकल नंबरिंग की गई है इसमें, तो आप इसको अपने हिसाब से चेक कर लेंगे अगर आपको चेक करना है। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फिगर्स, तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो बहुत ही सूटेबल लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें जो डॉट है वो अपोजिट साइड लगा हुआ है। आप एक बार इसमें लॉजिक लगा के देखिए, अगर आप गलत लगे तो आप मतलब मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इसमें जो शेप है उसके अंदर जो शेप है उसमें ऊपर वाले शेप से एक साइड ज़्यादा है, तो सभी शेप्स में इस जैसे ये देखिए पेंटागन है, तो इसमें हेक्सागन रखा हुआ है स्क्वायर में, और स्क्वायर में ट्रायंगल रखा हुआ है, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जबकि ट्रायंगल में स्क्वायर रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी वाला ऑड वन आउट में निकलेगा। फिर आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन। इफ़ ए इज़ टू द साउथ ऑफ बी एंड सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ बी, इन व्हाट डायरेक्शन इज़ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, इसको आप अगर कॉपी में बना के देखेंगे तो साउथ ईस्ट इसका आंसर आएगा, यह ऑप्शन सही है। फिर 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। रमन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस ए टूवर्ड्स नॉर्थ, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर अगेंस्ट, टर्न्स राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर टू रीच द प्लेस बी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइनली जो रमन ट्रेवल करता है वो 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, क्योंकि वो वापस अपने जगह पर आ जाता है। 5 + 2 किलोमीटर को ऐड करेंगे तो 7 किलोमीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। जो वीडियो है वो बहुत जल्द आ रही है, 15 मिनट के अंदर आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।